एक किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक अनुभव बता दिए जाएं तो ठीक है, नहीं तो ये बजारू चीज नहीं है। और बताने से फिर ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के रहस्य खुलते नहीं, ये बात इनकी सच्ची है, मैंने भी सत्संग में कहा है, इस बात को हम मानते। तो कभी कभी किसी की श्रद्धा भक्ति भगवान की तरफ बढ़ाने के लिए अनुभव बता दे, लेकिन सारी बात आध्यात्मिक खुली नहीं की जाती। जैसे बीज खुला करने से वृक्ष नहीं होता, ऐसे आध्यात्मिक रहस्य कुछ ऐसे भी मंत्र हैं। बड़ी मुसीबत और आपदा आई हो, आप जप करो, मुसीबत आपदा की ऐसी तैसी हो जाए, ऐसे मंत्र है। और अभी तो मेरे को एक चीज मिल गई और मैं इसका प्रयोग करूंगा खुले हाथ, मेरे शिष्यों के बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं, उनका मिश्रण करके धूप कर दिया और वो कमरा बंद करके उसमें प्राणायाम करें वो बच्चे। जो बूंदू हैं बुद्धि कमजोर है, वो भी बुद्धिमान हो जाएंगे, और जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि और निखरेगी। उसमें बीली पत्तों का पाउडर पड़ता है, पलाश के फूलों का पाउडर पड़ता है, गाय का देसी गाय का घी पड़ता है, मिश्री पड़ती है और जो चीज पड़ती है। ये सब तुमको झंझट करने की जरूरत है, मैंने निवाई गौशाला को आदेश दे दिया, दो चार दिन से बंद नहीं है, आजकल में आ जाएगी, हो सका तो मैं तुम्हारे हाथों तक पहुंचे ऐसा प्रसाद बंटवा भी दूंगा। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। लाइव टेलीकास्ट द्वारा जो देश विदेश में जहां भी देख रहे हैं उनको आश्चर्य होता होगा कि दिल्ली के लोग हैं, आज कोई इतवार नहीं है, 9 बजे के लोग बैठे और 1 बज गया है, फिर भी पंखे हिल रहे हैं, परिश्रम और परेशानी सहे जा रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को बिठाए रखी है। दिल्ली वाले ऐरे गरे नहीं है, कोई अंधश्रद्धा लोग नहीं है। जो लोग अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा बोलते हैं उनकी बुद्धि पर विनोबा भावे नालत करते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति तो पशु से भी बेकार है। श्रद्धामय अयम पुरुष, और प्रार्थना की गई है वेदों में कि भगवान हमें श्रद्धा दे। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा बिना का किया हुआ यज्ञ दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है। और श्रद्धा में वो ताकत है कि जिस देव का तुम जप करते हो वो देव सृष्टि में है तो आ जाएगा, नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा और मंत्र के प्रभाव से प्रकट होकर भी तुम्हारा काम कर देगा और आ जाएगा। श्रद्धा में वो बल है। तो शिवराम में श्रद्धा थी और पहुंच गए कहां का कहां। अष्ट सिद्धि नौ निधियां उनकी दासी थी, 280 साल तक जिए, शिवराम में से तैलंग स्वामी हो गए। ऐसे ऐसे महापुरुष भारत में हो गए, अगर विदेश में होता तो कहां तक उनका प्रचार करते। हम सचमुच में आध्यात्मिक जगत में अभी भी, विश्व में हमारा भारत अभी भी गुरु है। इतने लोग दुनिया के किसी देश में बताओ एक संत को सुनने के लिए इतनी कठिनाइयां से सुनते रहे, और ऐसा नहीं कि पहली बार आया हूं, द्वारका वाले भी कई बार देख चुके हैं, और दिल्ली में कभी कहीं कभी कहीं दरिया उमड़ रहा है, लहरा रहा है। कुप्रचार वालों को दांतों तले उंगली आ जाती है कि हमारा सारा कुप्रचार बापू के लिए जो षड्यंत्र और कहानियां और बोगस आदमी खड़े हो जाते हैं, बापू ने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा हो गया ऐसा हो गया।